और मेरी गुजारिश है कि आप दोस्तों को और आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है ना लाइक भी करें और लास्ट तक देखा करें ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूं। दोस्तों मैं आपका दोस्त अनिश भट्टी, आप देख रहे हैं भट्टी भाषा के लोग। आज मैं जा रहा था काम से तो हमें मिल गया सकेन भाई, ये बचपन का दोस्त है, माशाल्लाह साथ पढ़े हुए हैं स्कूल में। तो अभी मैं इधर काम था, मुझे थोड़ा दोस्त से उधर कुछ मसला था तो उनके सेटल करना था, तो अभी जा रहा था। रास्ते में जो हमारा ये यार है, बचपन का दोस्त है, फ्रेंड है, ये मिल गया रास्ते में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग बन गया अपने दोस्त के साथ। अभी जा रहे हैं, ये हमारी जो इलाका है, क्या नाम है इसका सकेन भाई? ये इसका इलाका ईदगाह मॉल है। अच्छा, ये ईदगाह मॉल है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इधर इधर ईद भी पढ़ी जाती है ना? जी, ये ईदगाह जो है यहाँ पे कदीम ईदगाह है, यहाँ पे सारी ठरी मिलवा मतलब इलाके में सारी ये कदीम ईदगाह यही है सारी ठरी की, और यहाँ पे ईद नमाज होती है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीका है। और आप देख सकते हैं हम अभी इधर जा रहे हैं, हम आपको ईदगाह भी दिखाएंगे, वो ईदगाह मॉल है जो ना। भाई ये हमारे दोस्त ने आपको बता दिया जब जा रहे हैं, ये हमारा तमाम बेहतरीन आला इलाका है। और ये जो है ना देखा है, इसको गोबर बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, गोबर बोलते हैं। ये कोई गोबर थी, जेन्युइन गोबर, सूखी हुई गोबर, ये जमीनों में डालते होंगे, ठीक है, खाद की तरह की, खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जमीनों में डालते हैं, जमीन में जो फसल वगैरह होते हैं ना वो लेवल पे आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल, आज रोजा नहीं है, आज रात थोड़ा मिस्टेक हो गया था और इसलिए रोजा नहीं रखा हमने। तो आज जा रहा हूँ दोस्त के साथ, इनको भी रोजा नहीं है। हमें रोजा नहीं है भाई, ये बड़े शैतान है और मैं छोटा शैतान बन गया हूँ। तो अभी जा रहे हैं, अभी पैदल जा रहे हैं, दुआ करें अभी हम पहुंच जाए इनके घर तक, इंशाल्लाह ये हमारी खिदमत दारी भी करेगा। और अभी हम आपको तक जहाँ तक हम जा रहे हैं वो सारी गलियां आपको दिखाएंगे। आप देखें हमारा सारा शहर चमकता दिया है आप लोगों ने यार, इस इलाके को चमका दिया जाए, इस गली को चमका दिया जाए, इस रास्ते को चमका दिया जाए, जहाँ बहुत मुश्किल होगी। और हमें ईद पढ़नी है, अभी हमारा रमजान फाइनल होगा तो इंशाल्लाह हमें ईद की जो नमाज अदा करनी है इस मोहल्ले में, तो हमें हम इस मोहल्ले से गुजरेंगे तो हमें बहुत तकलीफ आएगी। और बंदे तैयार होके सजर वजर के अत्तर शत्तर मार के इस गलियों से जाएंगे ना, कसम से इनको बहुत तकलीफ होगी। और मैं बोलता हूँ कि इस गली को भी ऐसा व्याप्त कर दें, क्योंकि ये इन्होंने इसको क्या बोलते भाई, ये रोडों में इस्तेमाल बुलारी बुलारी बोल दिया, ये बुलारी थी और उन्होंने पहले से रख दी इधर ताकि ये रोड बने, और पता नहीं क्यों चुप हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं, पांव भी खराब हो जाएंगे तब तक वहाँ पहुंचते पहुंचते। अभी माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छे वाला मकान बने हुए हैं, अभी ये पुराने जमाने की जगह थी, बहुत अच्छी है। अभी जा रहे हैं, दुआ करें वहां तक पहुंच जाए, फिर आपसे मिलते हैं वहाँ। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, ये जो है लायका था ईदगाह का, हम इस मोहल्ले में तो अवेलेबल आ गए भाई। अभी माशाल्लाह जो है ना यहाँ पे जो मैं गलियों की जो भी वहाँ जो है ना थोड़ा ज्यादा बोल गया मैं, तो वो थोड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं हुआ था, यहाँ पे काम हुआ है, गली थी ना उस गली में काम नहीं हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गलियों में काम हुआ है। ये चांदी के जो है ना, ये चांदी का रोड बना हुआ है भाई, ये चांदी का रोड भाई इधर बना हुआ है। हम इधर पहुंच गए, माशाल्लाह बहुत सफाई की हुई लोगों ने अपने मोहल्ले में, ये बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं भाई। ये सरताज का शॉप है, ये सरताज भाई हमारा ये दोस्त है, दोस्त नहीं बेहतरीन बंदा है सरताज हमारा, हमारे पारे की सूह है, और ये बेहतरीन बंदा है और बड़ा इज्जतदार बंदा है। आप ये गलत बयानी नहीं करे इसके बारे में भाई। अब हमने सब सबको ये जो है ना सारा सीयू दिखा दिया, और अभी हम जा रहे हैं सकलेन के पास, अब इनके घर जाएंगे, इसकी मम्मा के हाथ का कुछ बना हुआ खाएंगे, भूख भी लगी है, आज रोजा भी नहीं रखा, शैतान ने अपना घेरा पूरा कर दिया। अब जा रहे हैं सकलेन भाई के घर, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इनके घर के दरवाजे पे। सरताज भाई ये हमें दूध दे दे, हमसे दूध लेंगे, वो सकलेन की मम्मा को देंगे, वो बना के देगी हमें चाय शाय। अभी इसके दुकान में इन हो गए, वाह भाई वाह, ये सॉन्ग सुन रहा है भाई, ये सरताज भाई का दर्द है भाई, सॉन्ग सुन रहा है। हमें दूध जो ना निकाल के देगा शॉपर में, और हम चाय वाय बनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी वानी में नहीं डाला होगा ना भाई, पानी वाला नहीं देना भाई। ते
करते थे। सरपंच भाई ठीक है, हम मिलते हैं बाद में। भाई ये वही ईदगाह है जो हम आपको बता रहे थे, ये ईदगाह है, बहुत पुरानी ईदगाह है। और हमारे बड़े जो अभी कब्रिस्तान में सो रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, और ये वहाँ पे वही नमाज पढ़ते थे। और ये इन गांवों की जो ये माशाल्लाह ये लगा हुआ है सेटअप बहुत प्यारा हुआ है, ये इन्होंने वो क्या बोलते हैं नाला बना हुआ है बहुत अच्छा पानी की, पानी का ये वो मोटर लगा हुआ है। ये हमारा दूसरा दोस्त है जिनका वो है दवार शिराज की ये शॉप है, और दवार शिराज बहुत ग्रेट बंदा है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ना दरख्तों वाला सिस्टम ईदगाह में, ये दवार शिराज की मेहनत की हुई है यहाँ पे भाई। जो ईदगाह में जो फूल वूल लगे हुए हैं, जो पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, वो शिराज लगाए हुए हैं, वो उनकी मेहनत से बढ़ गए हैं। आगे वो पानी वानी डालता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके ये जो पेड़ लगाए हुए बहुत बड़े हो गए। पहले भी यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, किसी ने शर पसंद लोगों ने यहाँ पे क्या किया, उन पेड़ों को दरख्तों को खाट दिया और काट दिया, बड़ा दुख हुआ था हमें। उसके बाद जो सारे मतलब पड़ोस वालों ने जमार शिराज की कोशिश होते ये फिर से दरख्त लगे यहाँ पे। दरख्त लगने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते ये दरख्त बहुत बड़े हो गए। चले सकलेन भाई हम चले, बहुत गर्मी हो गई बिल्कुल, अभी धूप जो है ना बहुत अपनी तेज लेवल पे है, उनका सेंटीग्रेड जो है बहुत ज्यादा है आज, और पसीना भी आ रहा है हमें, तो अभी हम बर्दाश्त नहीं कर रहे पसीना, तो हम जा रहे हैं थोड़ा सफर करें। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इलाका बन चुका है, अब यहाँ ये डिजर्व बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे। भाई फाइनली हम इसकी गली में पहुंच चुके, ये छोटी गली है, अभी ये क्रॉस करेंगे, थोड़े इधर उधर मोड़ हैं, वो मोड़ क्रॉस करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसके घर तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सफ़र ज़्यादा तेज़ है और पैदल भी जा रहे हैं हम, और हमारे पास ना बाइक है ना क्या, क्योंकि महंगाई का दौर है, कोई बाइक देगा नहीं। ये बहुत इनके मोहल्ले के बच्चे हैं प्यारे प्यारे माशाल्लाह, ये देखें ये वाह ज़बरदस्त क्यूट क्यूट बच्चे हैं, ये बच्ची बहुत प्यारी है, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा फ्री नहीं होंगे, क्योंकि इनके बड़े आ जाएंगे फिर वो हमसे लड़ेंगे। अभी जो देख रहे हैं ना, तो अभी हम जा रहे हैं, ये बारिशों का नुकसान हुआ था इस मेले में बहुत, अल्लाह जो है ना बस स्वयं फरमा। और अभी जा रहे हैं पैदल भाई, ये गलियों में जा रहे हैं माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है कि हम किसी और सिटी में आए हुए भाई। ये हमारा जो है ना थरी मेवा का पार्ट टू है, यानी सिटी थरी मेवा टू है, क्योंकि ये सकेन भाई का घर आ गया। अभी ये होता है कि आ जाओ अंदर, आ जाओ होता के भाई, ये माँ मैंने समझा कि घर है, नहीं नहीं ये भाई ये सकलेन का बैठक बना हुआ है माशाल्लाह बहुत अच्छा। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई, हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए, बहुत थक गए थे कसम से, बहुत थक गए थे। अभी जो है थोड़ा इंतज़ार करेंगे, बैठेंगे, कचहरी बचहरी मारेंगे, गपशप मारेंगे, गपशप मारने के बाद इंशाल्लाह चाय का वो कप आएगा वो पियेंगे, इसके साथ अगर सकलेन भाई बिस्किट देगा तो उसकी बड़ी मेहरबानी, ना देगा तो हमने ऐसे चाय पीनी है भाई। तो अभी पानी की बहुत सख्त जरूरत है हमें, क्योंकि आज रोजा नहीं रखा था, धूप से आए हैं पैदल करके, पानी लेके आते हैं कि हमारे सिटी से जो ये दूसरा सिटी है ना, ये भी थरी मेवा का है, ये दिल्ली हमारे शहर का, तो हम यहाँ हमें ऐसे समझ के 1 किलोमीटर दूर है, और पैदल जाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पैदल हम जाते हैं इसी इलाके में। तो अभी हम पहुँच भी चुके हैं ठीक है, हम वेटिंग में हैं, वो चाय वाय लेने गया है, बनवाएगा, जारी बात है उसको टाइम लगेगा चाय बनने में, तो जब तक चाय बन जाए हमारी तो इंशाल्लाह तब तक हम बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, और मेरी गुजारिश है कि आप दोस्तों को और आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को जो है ना लाइक भी करें और लास्ट तक देखा करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप तो सपोर्ट किया करें, और इंशाल्लाह आगे जो हमारी वीडियो होगी और आगे जो हमारा व्लॉग होगा वो बहुत प्यारा और आला बनाएंगे, बस दुआ करें इंशाल्लाह हमारा काम जारी रहे। जज़ाकअल्लाह।